वो पुराना दिया वो एएनआई वाला नहीं सुना आपने? एएनआई वाला नहीं सुना था? तो एएनआई पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपके आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80-80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की सब सीटें बुंदेलखंड जीत और इसलिए जीतने जा रहे हैं, मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया, और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं, सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं, बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए, ये तो केवल एक महीने में दिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहां फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें, तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहां जाएंगी, दादा वहां जाएंगे, बेटा वहां जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना, परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पर वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर लेगी क्या कर रही बीजेपी।